एनजीओ के ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन को सपोर्ट करने आए बॉलीवुड के कई नामी सेलेब्स। आइए देखते हैं इस इवेंट की एक झलक। हॉलीवुड फिल्म अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के हिंदी वर्जन के ट्रेलर और म्यूजिक लॉन्च इवेंट को अटेंड करते दिखे एक्टर विवेक ओबेरॉय, जिन्होंने इस फिल्म के कैरेक्टर इलेक्ट्रो को अपनी आवाज दी है। इस इवेंट में विवेक ने मीडिया से इंटरेक्ट किया और फिल्म के बारे में काफी बातें की। मेरे लिए बहुत अनोखा एक्सपीरियंस रहा। जितने मेरे फैंस हैं, बच्चे जो एक्साइटेड थे काल देखकर, आई थिंक उनके लिए दिस इज अ नेचुरल एक्सटेंशन। दे विल एंजॉय दिस स्पाइडरमैन एंड दे विल एंजॉय होपफुली माय वॉइस as Max and as Electro in J.B. Fox's character. बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर हाल ही में स्पॉट की गई डिजाइनर मयूर गिरोत्रा के स्टोर लॉन्च इवेंट को अटेंड करते हुए। करिश्मा के साथ यहां नजर आई एक्ट्रेस अमृता राव। टेक अ लुक। राजीव खंडेलवाल, जो कि उनकी अपकमिंग फिल्म सम्राट एंड कंपनी में एक डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं, अंडरवेंट ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट्स एंड बॉक्सिंग एज हिज रोल इन द फिल्म डिमांडेड हिम टू बी फिट। शाहिद कपूर को डायरेक्टर ड्योर राज और कृष्णा डीके ने अपनी अगली क्राइम थ्रिलर के लिए साइन कर लिया है, जिसका टेंटेटिव टाइटल है फेक। और इस फिल्म में शाहिद एक व्हाइट कॉलर क्रिमिनल का रोल प्ले करेंगे। अजय देवगन को मुंबई के माहिम दरगाह के पास उनकी फिल्म सिंघम 2 की शूटिंग करते हुए स्पॉट किया गया, जिसका एक पिक्चर हाल ही में रिवील किया गया, जहां अजय के साथ नजर आ रहे हैं टीवी एक्टर दयानंद शेट्टी। सेलिना जेटली, जो कि यूनाइटेड नेशंस की गुडविल एम्बेसडर हैं, अब इसकी ह्यूमन राइट्स फ्री एंड इक्वल कैंपेन के लिए बातों बातों में फिल्म का सॉन्ग उठे सबके कदम अपनी आवाज में गाएंगी। सेलिना इसके म्यूजिक वीडियो में भी फीचर करेंगी। हंसल मेहता, जिन्होंने उनकी फिल्म शाहिद के लिए नेशनल अवार्ड जीता, अब उनकी अगली फिल्म पर काम कर रहे हैं, जो कि गे कपल्स पर बेस्ड होगी, और कहा जा रहा है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस फिल्म में लीड रोल निभाएंगे। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण स्टारर इम्तियाज अली की अगली डायरेक्टरी फिल्म का टाइटल विंडो सीट से बदलकर अब रखा गया है तमाशा। इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने के लिए AR रहमान को रोप इन कर लिया गया है और फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साजिद नदियाडवाल। इमरान हाशमी और संजय दत्त स्टारर उंगली के प्रोड्यूसर करण जौहर ने रिसेंटली इस फिल्म का री एडिटेड वर्जन देखा। अपेरेंटली ही इज नॉट हैप्पी विद द सीन्स फीचरिंग संजय दत्त एंड ही वांट्स टू रीशूट संजय's पोर्शंस इन द फिल्म। शिल्पा शेट्टी उनके बेटे वियान के साथ ट्रिप पर जाने वाली थी वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड इन फ्लोरिडा, मगर अब शिल्पा ने इस ट्रिप को पोस्टपोन कर दिया है एज शी वांट्स टू स्टे इन मुंबई टू कास्ट हर वोट। शिल्पा की तरह सुनील शेट्टी भी वोटिंग डे पर मुंबई में रहना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने उनकी अपकमिंग फिल्म कोयलांचल के प्रमोशनल टूर को कैंसिल करवा दिया है, विच वाज सपोज्ड टू टेक प्लेस इन जयपुर। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता, जो कि काफी वक्त तक लाइमलाइट से दूर रही, अब जी टीवी के शो बेस्ट ऑफ फियर फाइल्स को होस्ट करती दिखेंगी। एंड तनुश्री सेड दैट शी रियली हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग फॉर द शो। परिणीति चोपड़ा, जिन्होंने खुद ये बात कन्फेस की है कि वो सैफ अली खान की बहुत बड़ी फैन है, अब उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगी एक रोमांटिक फिल्म में, जिसे डायरेक्ट करेंगे सैफ के बिजनेस पार्टनर दिनेश विजय। सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की रिलीज के बाद से बैक टू बैक शूटिंग कर रहे हैं, अब 10 दिनों का ब्रेक लेकर न्यूयॉर्क हॉलिडे मनाने जाएंगे एज ही वॉन्ट्स टू रिलैक्स एंड कम बैक विद अ फ्रेश माइंड एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज अदर प्रोजेक्ट्स। राम राम सबन्ने राम राम सुबह की राम राम नगद संजय की राम राम एडवांस। कहा जा रहा है कि कंगना रनौत उनकी फिल्म रिवॉल्वर रानी की रिलीज से पहले उदयपुर जाएंगी टू सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉडेस अंबिका। शी सेड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप एज आई हर्ड लॉट अबाउट द टेंपल। इमरान हाशमी उनकी अपकमिंग फिल्म राजा नटवरलाल में एक स्ट्रीट कॉनमैन का रोल प्ले कर रहे हैं और फिल्म में इमरान का कैरेक्टर रियल लाइफ कॉनमैन मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव से इंस्पायर्ड है, हु हैड ओवर 100 केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम।
शूटआउट एट वडाला, मैं तेरा हीरो और ग्रैंड मस्ती के राइटर मिलाप जावेरी अब उनकी सेकंड डायरेक्टरल फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसका टाइटल है मस्ती ज़ादे, जो कि एक कॉमेडी होगी। वैसे मिलाप ने उनका डायरेक्टरल डेब्यू फिल्म जाने कहां से आई है के साथ किया था।